चलो पहले बनाइए ओम्स सर्किट डायग्राम। ये तो याद ही होगा बीइंग साइंस स्टूडेंट। चलो बनाओ ओम्स सर्किट डायग्राम। ये हो गया ओम सर्किट डायग्राम। और स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ क्या बताती है? व्हाट डज द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ इंडिकेट? दिस अपॉन दिस टेन थीटा रेजिस्टेंस। एंड इफ वी रिवर्स द कोऑर्डिनेट आई वी ग्राफ इफ वी टेक देन द स्लोप विल गिव अस कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। Reciprocal of resistance is called conductance. G, denoted by G. ठीक है, slope of VI graph gives us resistance, slope of IV graph gives us reciprocal of resistance called conductance. अब unit बताइए मुझे, unit of resistivity, resistance, चलो पहले ये बताओ, unit of resistance, ohm. What is the unit of conductance then? ओम इनवर्स हो गया, और भी कहते हैं इसको कुछ, ओम इनवर्स ऐसे, ओम इनवर्स ऐसे, और महो और साइमन भी बोलते हैं। दीज आर ऑल द यूनिट्स ऑफ विच क्वांटिटी? कंडक्टेंस। दीज आर द यूनिट्स ऑफ कंडक्टेंस। What are ohmic conductors and non-ohmic conductors? What are ohmic and non-ohmic conductors? Ohmic conductor क्या होते हैं? That obey Ohm's law. Ohmic conductor are those that obey Ohm's law. ठीक है, for which VI graph is not a VI graph is a straight line. For example, for all the metals, if they are obeying Ohm's law, then VI graph must be a straight line. For example, for all the metals, for all the conductors, Ohm's law states that current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference between the ends of the conductor. I proportional to V होता है ना, ये वाइवा में पूछना है आपसे। आपकी क्लास में चॉक्स क्यों नहीं होते हैं? क्या है? So I proportional to V, V proportional to I, V is equal to IR. So V proportional to I नहीं है, ये मैथमेटिकली करते हैं। अदरवाइज होता क्या, I proportional to V. Current flowing is directly proportional to potential difference. जब तक आप सेल नहीं लगाओगे, हाँ, provided temperature remains constant. तो जैसे वाइवा होता है external examiner, usually यहां से start कर देते हैं, बच्चे को ओम्स लॉ ही ना आए तो हो गया वाइवा। वो तो सिर्फ चेक करने के लिए पूछते हैं कि देखें ओम्स लॉ आता है कि नहीं, अगर वहीं पे अटक गए तो फिर तो गए। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि कौन किसके प्रोपोर्शनल, आई प्रोपोर्शनल टू वी है, ये स्टेटमेंट में बोलना है, बिकॉज टेंथ में और बात थी। अब नाउ यू आर इन प्लस टू, प्लस टू में अब आपको ये चीजें माइन्यूट थिंग्स पता होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि जब तक आप पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दोगे, ठीक है, अनलेस एंड अंटिल यू सप्लाई द वोल्टेज, करंट फ्लो ही कैसे करोगे? ठीक है, अब एक सेल लगाओगे, सपोज 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग, टू सेल्स यू विल यूज 2 एम्पियर हो जाएगा, 3 सेल्स लगाओगे ट्रिपल हो जाएगा, लाइक दैट। ठीक है, नॉन ओमिक कंडक्टर्स, एग्जाम्पल लिख लिया ओमिक के आपने, मेटल्स कंडक्टर्स आर ohmic conductors that obey Ohm's law. Non-ohmic conductors that don't obey Ohm's law, for them VI graph is not a straight line. ठीक है, उनके लिए VI graph straight line भी नहीं है, वहां से हमें पता चल जाएगा कि वो ohmic है कि non-ohmic. Example, gases हैं जैसे, और vacuum tubes हैं, वो हैं semiconductor devices. All the semiconductor devices. ये जैसे कि एक डायोड के लिए बना रहे हैं,
डाइट के लिए वी आई ग्राफ ऐसा आएगा. फॉर एग्जाम्पल डाइट, पीएन जंक्शन डाइट, जिसका एक एग्जाम्पल एलईडी लाइट एमिटिंग डाइट है, वो एक सेमी कंडक्टर डिवाइस है, ऐसा ग्राफ आता है. तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है. Another example of semiconductor device is a transistor. Transistor is also semiconducting device. तो इस केस में ऐसे का ग्राफ आता है और एक और ग्राफ होता है वो ऐसे का आता है. तो अगेन ये स्ट्रेट लाइंस नहीं है. सो इसलिए ये नॉन ओमिक बिहेवियर है, दैट इज शोन बाय semiconductors. और भी आप एग्जाम्पल लिख सकते, ट्रांजिस्टर semiconducting device. क्या है? एम्पलीफिकेशन के लिए सर्किट्स में एम्पलीफाई करते हैं, ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करते हैं, एज अ स्विच यूज होते हैं. सो दीज आर द फंक्शंस. ऑल राइट. Then after this, ये variation of resistance and resistivity with temperature के बहुत question है sample paper. पहले तो conductors किसके लिए हम बात कर रहे हैं, we have to see that. For example, for conductors. It increases with increase in temperature and decreases with decrease in temperature. ठीक है, क्योंकि जब हम हीट करेंगे तो what will happen? Electrons will become fast. They will start colliding very fast. And what will happen because of that? They will become more energetic. Collision time gap between the successive collisions will decrease. Collisions will become very fast. और क्योंकि cause of resistance है, collisions among the electrons. कोलिजन के इंक्रीज होने की वजह से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो गया. सो रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा फॉर कंडक्टर्स फॉर मेटल्स. कहने की बात यह है कि देयर अल्फा इज पॉजिटिव. नाउ व्हाट इज दिस अल्फा? अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. अल्फा इज व्हाट? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, राइट? So what is that change in temperature over original temperature, original resistance per unit change in temperature. ये भी याद रख लो, sample papers में इसके unit भी पूछे गए हैं और alpha भी उसमें discuss हुआ है. Alpha is change in resistance per unit original resistance per unit change in temperature. So if alpha is positive means numerator is positive. Numerator is positive का मतलब है new resistance is greater than previous resistance, so yes, resistance is increasing. इसका मतलब increase हो रहा है क्योंकि new resistance greater है. ठीक है, then we come to semiconductors. एंड इंसुलेटर जो भी है. सेमीकंडक्टर्स में अल्फा नेगेटिव है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, करंट ज्यादा फ्लो करेगा. क्योंकि इसमें क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स होते क्या, व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स? दे रिमेन इंसुलेटर्स एट जीरो केल्विन एंड बिकम कंडक्टर्स इवन एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर तक आते आते कंडक्टर बन जाते, क्योंकि जीरो केल्विन पे इनमें कोवेलेंट बॉन्ड्स बने होते. तो दीज बॉन्ड्स दे स्टार्ट ब्रेकिंग, बॉन्ड्स ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, उसकी वजह से फिर कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाती, कंडक्शन स्टार्ट हो जाती. ठीक है, सो देयर अल्फा इज लेस देन जीरो, दैट मींस आर टू माइनस आर वन ओवर आर वन डेल्टा टी इज लेस देन जीरो, दैट मींस आर टू इज लेस देन आर वन. तो न्यू रेजिस्टेंस इज लेस, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम हो रहा है. तो मैथमेटिकली ऑल्सो वी कम टू न्यू. Can you name any semiconductor? Do you know the name of any semiconductor? Silicon. सबसे पहला semiconductor basic जो आपको बताना चाहिए silicon. Germanium. These are pure semiconductors.
सिलिकन जर्मेनियम एग्जाम्पल लिख लो एटलीस्ट, इतना दोनों का पता होना चाहिए। थर्ड है फॉर एलॉयज, देयर अल्फा इज नेग्लिजिबल, तो इसका मतलब उनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज ही नहीं होता, तो दैट्स व्हाई कॉन्स्टेंटन एंड मैग्नेनिन एलॉयज, हाँ ये टेम्परेचर के साथ चेंज ही नहीं होते। एग्जाम्पल कॉन्स्टेंटन, मैग्नेनिन, जितने भी एलॉयज हैं, तो इसीलिए स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स दे आर मेड अप ऑफ एलॉयज लाइक कॉन्स्टेंटन एंड मैग्नेनिन, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो क्यों वो उनको यूज किया जाता है, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी मेनली, कि वाई द एलॉयज लाइक कॉन्स्टेंटन एंड मैग्नेनिन यूज फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स, यूज फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स, ये होगी वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। इसका मतलब कंडक्टर्स के लिए जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। अब टेम्परेचर डिक्रीज करते करते, मतलब हम कूल कर रहे हैं मेटल को, उसका रेजिस्टेंस कम होता जा रहा है, एक ऐसा टेम्परेचर आता है जहां पर रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, सुपर कंडक्टर। तो एट दैट टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, द कंडक्टर बिकम्स अ सुपर कंडक्टर। एनी एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंडक्टर, एग्जाम्पल मर्करी, फॉर एग्जाम्पल मर्करी बिकम्स अ सुपर कंडक्टर एट 4.2 केल्विन। टेम्परेचर एक स्पेसिफिक होता है, हर टेम्परेचर पे ऐसे नहीं होगा, तो 4.2 केल्विन पे मर्करी फॉर एग्जाम्पल बिकम्स अ सुपर कंडक्टर। हाँ तो ये बहुत ही कम टेम्परेचर है, तो यही प्रॉब्लम है सुपर कंडक्टिविटी के पाथ में। साइंटिस्ट दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज दिस टेम्परेचर ताकि इसको यूटिलाइज किया जा सके, बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट हैज अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस, बहुत सारी एप्लीकेशंस। उसके बाद है वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी, बताओ पहले क्या होती है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ रेजिस्टिविटी, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, अदर नेम ऑफ रेजिस्टिविटी इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एंड वी हैव दिस फॉर्मूला आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। यहां से यूनिट कितना आता है रेजिस्टिविटी का, यूनिट ओम मीटर, ओम मीटर, इसका मीटर हो गया, मीटर स्क्वायर इसका ओम, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लो ओम मीटर। सो ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी रो को ही हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। एनी अदर स्पेशल पॉइंट रिलेटेड टू रेजिस्टिविटी दैट यू नो, डजंट चेंज विद व्हाट, इफ डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर वायर आर चेंज इट डज नॉट चेंज, यस इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेजिस्टेंस चेंज होगा। अगर आप एक वायर को स्ट्रेच कर दोगे, उसकी लेंथ कम कर दोगे, ज्यादा कर दोगे, रेजिस्टेंस पे इफेक्ट होगा, बट रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। तो ये वायर की लेंथ और थिकनेस पे डिपेंड नहीं करती, ये एक मेन पॉइंट है इससे रिलेटेड। तो रेजिस्टिविटी के ये क्वेश्चन आपने 10th में भी किए हुए, ठीक है। अब वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर, फर्स्ट थिंग इज फॉर कंडक्टर्स अगेन। अच्छा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता है ना आपको, सपोज कर ले एक वायर लेते हैं हम, उसके अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, सिलेंड्रिकल वायर होती है, हमने ऐसे शो कर दी, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जैसे दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव चार्जेस विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, तो वो कोलाइड करते जाएंगे, जब इस एंड से दूसरे एंड तक जा रहे हैं कोलाइड करते जाएंगे, तो
तो इसलिए क्या होगा कि एक ऑन एवरेज एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन कर लेते हैं उसकी, उसका ऑर्डर अप्रोक्सीमेटली इतना होता है, तो ये नोट कर। नहीं वैल्यू नोट करो पहले, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑन मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है इस ऑर्डर की। फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला चलो फॉर्मूला क्या है, ई टाउ बाय एम। फॉर्मूला क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नोट करिए, ई टाउ बाय एम। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। हाँ ये तुम सोच रहे थे, रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजंस। तो ये कोलाइड करते हुए जाएंगे ऑन एवरेज एक वेलोसिटी गेन कर लेंगे जिसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। टेम्परेचर इंक्रीज कर, वही हमने यूज करना। और जो रेजिस्टिविटी है इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, ये फॉर्मूला है उसका, एम ओवर एन ई स्क्वायर टाउ। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्हेन वी हीट अ कंडक्टर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस बिकॉज कोलिजंस बिकम फास्ट। तो रिलैक्सेशन टाइम के कम होने से रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है, रेजिस्टिविटी भी। ये यहाँ से प्रूव हो गया, ठीक है। तो कंडक्टर्स का की रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होती है विद टेम्परेचर। सेकेंड है फॉर सेमी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, रेजिस्टिविटी वेरीज एक्सपोनेंशियली, रेजिस्टिविटी डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विद टेम्परेचर। ये तो पता है कि अगर वो इंक्रीज हो रही है तो इस पर डिक्रीज ही हो रही होगी, और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है, रेजिस्टिविटी डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली। यहां ओरिजिनल रेजिस्टिविटी रो नॉट है जीरो टेम्परेचर पे, और एक्सपोनेंशियली ये डिक्रीज होती है, ई की पावर है यहाँ। ई जी क्या है, बैंड गैप, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। उसका रीजन ये है क्योंकि नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली, क्योंकि वो इंक्रीज होती है इसलिए रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है एक्सपोनेंशियली विद टेम्परेचर। ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ जो है काफी इंपॉर्टेंट है इस केस में। ठीक है, अब फर्दर अगर बैंड गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ग्रेटर है, क्या एम मास है, ई एन ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, एन है नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी क्या होती है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और ये रिलैक्सेशन टाइम है टाउ। एन क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब फर्दर हमने कंबाइंड एक्सप्रेशन लिख दिया, अगर बैंड गैप एनर्जी ग्रेटर देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो देन मींस इट मींस दिस इज इंसुलेटर। फर्दर हमें टाइप पता चल जाती है, एंड इफ बैंड गैप इज लेस देन और इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज फॉर सेमीकंडक्टर। मतलब दोनों के लिए एप्लीकेबल है, पर हमें फर्दर पता ना चाहिए कि इंसुलेटर के लिए बैंड गैप कितना होता है, सेमीकंडक्टर के लिए कितना होता। बैंड गैप होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, वेलेंस बैंड कंडक्शन बैंड होते हैं ना, वेलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं बैंड गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप।
मतलब कम से कम एक सब्सटेंस को कंडक्टर बनने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको पैक कहते हैं बैंड गैप। एक इलेक्ट्रॉन है सपोज वो वैलेंस बैंड में, वैलेंस बैंड नीचे होता है ना, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है, ये कंडक्शन बैंड में जाएगा तो कंडक्शन स्टार्ट होगी। तो ये जो गैप है कितनी एनर्जी है बीच में जितनी इसको चाहिए टू रीच द कंडक्शन बैंड, दैट इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब ये एनर्जी हम इलेक्ट्रॉन को या तो हीट करके दे सकते हैं या इम्प्योरिटी ऐड करके दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम हीटिंग की बात करें तो जब हीट करेंगे उसको एनर्जी मिल जाएगी, वो कनेक्शन बैंड में जंप कर जाएगा, तो दिस वे द सब्सटेंस विल बिकम कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर में कहने का मतलब है कि गैप कम है तो थोड़ी सी एनर्जी देते हैं, हीट करते हैं तो वो पहुंच जाते हैं, पर इंसुलेटर में बैंड गैप काफी बड़ा होता है तो इसलिए वो हमेशा इंसुलेटर ही रहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन कभी जंप ही नहीं कर पाते इसलिए। ठीक है, क्लियर हो गई। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी आल्सो विद टेम्परेचर। ओके, अब इसके बाद सर्किट डायग्राम देख लो, मीटर ब्रिज पोटेंशियोमीटर का, किरचॉफ लॉज स्टेटमेंट आती है किरचॉफ लॉज की, ये मैंने आगे भी बताया था, केसीएल केवीएल, दिस इज इन अकॉर्डेंस विद कंजर्वेशन ऑफ, फर्स्ट रूल इज इन अकॉर्डेंस विद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज करंट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ही आएगा, मतलब यहाँ पे सी करंट है, और दिस इज इन अकॉर्डेंस विद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फर्स्ट लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सेकेंड इज इन अकॉर्डेंस विद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, समेशन आई इक्वल टू जीरो, ये फर्स्ट लॉ है दैट अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स एंटरिंग और लीविंग अ जंक्शन इज जीरो, और ये था कि नेट ईएमएफ अक्रॉस अ लूप इज सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंसेस अक्रॉस दैट लूप, नेट ईएमएफ इन अ लूप इज सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ करंट्स एंड रेजिस्टेंसेस अक्रॉस दैट लूप, ये इनके प्रोडक्ट को लग रहा है। अब रूल अप्लाई करना आता है, हमने न्यूमेरिकल्स किए थे इसके, ठीक है ना। अब आप करोगे इसको व्हीटस्टोन ब्रिज में, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। हाँ, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है कि इफ द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस इन टू आर्म्स ऑफ द ब्रिज इज सेम देन नो करंट विल फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, सेंट्रल आर्म में से कोई रेजिस्टेंस कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, हम इसको इग्नोर कर सकते। यहाँ हमने जी बनाया, वैसे यहाँ पे फिफ्थ रेजिस्टेंस होता है, तो पी ओवर क्यू इज इक्वल टू आर ओवर एस व्हेन आई जी इज जीरो, ये इसका प्रिंसिपल है। ये व्हेन भूल जाते हैं बच्चे, उनको ये याद रहता है कि पी ओवर क्यू इज आर ओवर एस, पर ये हमेशा थोड़ी, वो तो तब है जब ब्रिज बैलेंस्ड है, जब आई जी जीरो है, जब आई जी जीरो है मतलब यहां और यहां पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, पोटेंशियल सेम है इन दोनों पॉइंट्स पे, तो कोई करंट फ्लो नहीं करता, दैट मींस स्ट्रेट लाइन का यहाँ, मतलब यहाँ रेजिस्टेंस दिया होता है। हाँ, कई बार होता है ऐसे, ऐसे कह रहे हो आप, ऐसे कह रहे हो, ऐसे भी दिए हो, ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये वाला सेंटर वाला यहां रखो, ठीक है, इस आर्म को खींच दो, ये इधर है, ठीक है, ये वाला जो है और ये इधर खींच दो, ये इस साइड पे आ जाएंगे, वो उस साइड पे आ जाएंगे, सपोज करो ये सारे आ रहे हैं,
ये इग्नोर हो गया सेंटर वाला क्योंकि बैलेंस्ड है, तो आपका आंसर है आर। अगर वैल्यूज भी इक्वल हैं तो आपका आंसर वही है जो एक की वैल्यू। अब इसमें हम कुछ और ले लेते हैं, पर पहले हम कंडीशन डिराइव करने लगे हैं यूजिंग किरचॉफ लॉस, उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आप करना चाहते हो सॉल्व, चलो करो। करंट डिवाइड करो फिर, डिराइव कंडीशन ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज यूजिंग किरचॉफ लॉस। करंट डिवाइड करो, इधर आई वन ले जाओ, ये आई जी ऑलरेडी है। चलो बताओ बाकी आर्म्स में कितना होगा करंट, हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू अदर आर्म्स। हाँ जी, इसमें कितना होगा वरुण, हाउ मच करंट विल बी फ्लोइंग हियर। अगर आई में से आई वन निकल गया तो इधर कितना बचा, आई माइनस आई वन। अब आई वन में से आई जी निकल गया, इधर कितना आया, आई वन माइनस आई जी। आई वन में से ये निकल गया, इधर कितना आया। अब ये आई जी इसमें ऐड हो गया, दोनों मिल रहे हैं ना यहाँ पे, मीट कर रहे हैं, तो इन दोनों का सम फ्लो करेगा आई माइनस आई वन प्लस आई जी। अब ये और ये यहाँ पे मीट करेंगे, आई आगे, ये होगी पहले हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। हर जंक्शन पे सम ऑफ करंट एंटरिंग लिविंग जीरो है। अब हम लगाते हैं लूप रूल, आप लगाओ लूप रूल पहले इधर, इसमें लगाओ, इसमें लगाइए, क्या आएगा, P इंटू आई वन, लूप रूल, सेकेंड रूल, लूप रूल लगाओ, पी आई वन प्लस जी आई जी माइनस क्यू आई वन आई माइनस आई वन। रेजिस्टेंस कितना पहले का P, उसमें करंट है आई वन, दूसरे का रेजिस्टेंस है G, उसमें से करंट है आई जी, उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, माइनस Q, हाँ जी, प्रोडक्ट ऑफ करंट्स एंड रेजिस्टेंसेस याद है ना, हाँ, नेट पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं, हाँ, तो ये P इंटू आई वन जी इंटू आई जी माइनस क्यू इंटू आई माइनस आई वन इक्वल टू नेट पोटेंशियल डिफरेंस, नेट वोल्टेज अक्रॉस द लूप वो है नहीं कोई भी सेल लगा, इक्वल टू जीरो, तो V इज इक्वल टू समेशन आई आर माइनस, क्योंकि हम जिधर जा रहे थे ये करंट ऑपोजिट आ रहा था, ये वाला हम इधर जा रहे हैं इधर आ रहे हैं, तो पहली दो टर्म्स पॉजिटिव आ रही। अगर उसमें लूप में कोई सेल नहीं लगा तो जीरो आ गया। पहली लूप ऐसे लगाइए, इसको आप ऐसे लिख लो, दिस इज इक्वेशन नंबर वन,
अब दूसरी लूप लगाइए, ये वाली, चलो ये वाली लूप लगाइए, अब बताइए क्या हो। चलो बताओ, अब इधर से शुरू करते हैं, जी आई जी, इधर से भी कर लो, कहीं से भी। ये देखो ना, आपने इधर लगाई है ना लूप, ऐसे मतलब कम से कम ज्यादा करंट जिस डायरेक्शन में उधर लगाओ। अब मैं अगर इधर से लगाती हूँ, दो तो ऑपोजिट आ रहे हैं, दो टर्म नेगेटिव, हम नेगेटिव ज्यादा नहीं लेना चाहते, तो हम इधर से मूव करेंगे, जी आई जी प्लस एस इंटू ये सारा माइनस आर इंटू दिस इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। फिर इसमें सेंसिटिविटी के लिए, बैलेंस के लिए आई जी जीरो पुट कर देंगे, हाँ उसमें फिर आई जी जीरो पुट कर दोगे ये इक्वेशन लिखने के बाद दोनों में, हाँ फिर पी ओवर क्यू और आवर एस डिवाइड करके, ऐसे आती है कंडीशन ऑफ सेंसिटिविटी।